हेलो बच्चों, कैसे हो सब? बढ़िया। तो बच्चों, आज अपन डिस्कस करेंगे एमओ डायग्राम के अंदर बोरोन का, कार्बन का और नाइट्रोजन होमोडाय एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के कंप्लीट एमओ डायग्राम, बॉन्ड ऑर्डर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करूंगा। अच्छा वीडियो होगा, हो सकता है आपको यहाँ से नीट एग्जाम में और आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको यहाँ से मिले। तो वीडियो को लास्ट तक देखना बच्चों, बहुत ही गजब की ट्रिक बताऊंगा और क्वेश्चन सॉल्व करने का भी कंसेप्ट और इजी ट्रिक बताऊंगा। देखिए, आज अपन डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर B2 मॉलिक्यूल का और C2 मॉलिक्यूल का और नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। ये तीनों के तीनों होमोडाय एटॉमिक मॉलिक्यूल है और इनके लिए एमओ डायग्राम कैसे बनता है वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहले इन तीनों की बात करें तो तीनों का जो एमओ डायग्राम बनता है बच्चों, उसमें सबसे पहले 1s ऑर्बिटल यूज करना अपने को। ये लीजिए 1s ऑर्बिटल ले लें। जानना पहले मैं डायग्राम बता रहा हूँ बच्चों, फिर इनके ऊपर डायग्राम पर बेस इनके स्ट्रक्चर बना करके मैं क्वेश्चन बताऊंगा। ये 1s एटॉमिक ऑर्बिटल, ये सिग्मा 1s एमओ ऑर्बिटल, ये सिग्मा स्टार 1s, ऐसे ही ये दूसरा सिग्मा 2s वाला ऑर्बिटल, ये सिग्मा 2s ऑर्बिटल और ये सिग्मा स्टार 2s ऑर्बिटल, ये 2s ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल, ये 2s एटॉमिक ऑर्बिटल और फिर अपने पास आता है p ऑर्बिटल्स, ये 2p, ये 2p। यहाँ क्या ध्यान रखना था, यहाँ ध्यान रखना है यहाँ जो p ऑर्बिटल बन रहे हैं, जो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, उनका उनकी पोजीशन कहाँ होगी ये देखनी है। तो बच्चों ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। ये इस पी ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, यहाँ ध्यान रखना अगर BCN है, बोरोन कार्बन नाइट्रोजन है, तो इसके अंदर ये जो पाई ऑर्बिटल्स हैं पाई टू पी एक्स एंड पाई टू पी वाई एंड पाई टू पी वाई, ये नीचे यानी लोअर एनर्जी के होते हैं और सिग्मा टू पी जेड हायर एनर्जी का होता है। ये दोनों BMOs होते हैं और रिमेनिंग जो है ऊपर वाले पाई स्टार एंटीबॉन्डिंग 2px, पाई स्टार 2py और ये होता है अपने पास सिग्मा स्टार 2pz। ये दोनों ABMO होते हैं बच्चों और ये अपने पास एनर्जी लेवल या एनर्जी का पॉइंट। तो ये 1s ऑर्बिटल, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं और ये है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो इस तरह से अपन बोरोन कार्बन और नाइट्रोजन के लिए एमओ डायग्राम देखते हैं। क्लियर है? अब यहां से आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करना होगा, तो ये जो एमओज है उन एमओज का मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बना लूंगा, यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखूंगा। अब देखिए, जैसे सबसे पहले बात करें अपन बोरोन की, B2 मॉलिक्यूल की, तो यहां दो बोरोन है अपने पास और इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखें तो 1s2 2s2 और इसका 2p1, 1s2 2s2 2p1। टोटल इलेक्ट्रॉन अगर काउंट करें बच्चों तो 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ कवर हो रहे हैं। कितने? 10 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ देखिए, यहाँ इस एक बोरोन की और ये दूसरा बोरोन, इस एक बोरोन के 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, इसके 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 1 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली दूसरे बोरोन के अंदर यहाँ 2 और यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है बच्चों। अब आपको क्या करना है, एक एक इलेक्ट्रॉन इसमें फिल करते जाना है, हाफ बाउ रूल को फॉलो करते हुए, हुंड मल्टीप्लिसिटी रूल को फॉलो करते हुए और पाउली एक्सक्लूजन रूल को फॉलो करते हुए। देखिए यहाँ 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन है बच्चों, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल हो गए, 2 इसमें चले गए। यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इसमें आ गए और 2 इसमें आ गए। अब देखो दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन है तो हुंड रूल ये कहता है कि सबसे पहले आप अनपेड इलेक्ट्रॉन को फिल करो। अब 2 इलेक्ट्रॉन है और एक एक इलेक्ट्रॉन मैंने दोनों पाई यानी जो एमओ है पाई टू पी एक्स और पाई टू पी वाई में मैंने फिल कर दिया। अब देखिए यहाँ से अगर मैं इस एमओ डायग्राम की बात करूं तो B2 मॉलिक्यूल के लिए पूरा एमओ डायग्राम क्लियर हो गया है। ये B2 मॉलिक्यूल के लिए पूरा एमओ डायग्राम हो गया। अगर मैं यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 और पाई टू पी एक्स और पाई टू पी वाई, क्योंकि इन दोनों की एनर्जी इक्वल है बच्चों, तो कुछ इस तरह से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख देंगे, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई टू पी एक्स पाई टू पी एक्स। अब देखिए बच्चों, यहां इसमें
इस पाई टू पी एक्स में एक इलेक्ट्रॉन, पाई टू पी वाई में एक इलेक्ट्रॉन, दोनों की एनर्जी सेम होती है पाई वाले ऑर्बिटल्स की, दोनों की एनर्जी सेम, इसलिए इक्वल निशान आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा और बचा क्या पाई टू पी वाई वन। क्लियर है? तो ये कुछ इस तरह से इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो गया। अब लास्ट इलेक्ट्रॉन देखो बच्चों, दोनों के दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इनकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी, मैं कह रहा हूं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी इन दो इलेक्ट्रॉन की वजह से, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या हो जाएगी बच्चों, पैरामैग्नेटिक। क्या हो जाएगी बच्चों? पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो जाएगी। कौन सी? पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बॉन्ड ऑर्डर। अब बॉन्ड ऑर्डर चाहे तो देखो जितने भी बीएमओज है उनके काउंट करके कर सकते हो, बीएमओज माइनस एबीएमओज, या आप इस तरह से आइडिया लगाइए बच्चों कि ये बीएमओ माइनस एबीएम हो जाए, ये बीएमओ माइनस एबीएम हो जाए, तो 2s वाले तक का आपको बॉन्ड ऑर्डर की जरूरत नहीं है, या इनसे निकाल सकते हो बॉन्ड ऑर्डर कि बीएमओज के इलेक्ट्रॉन माइनस एबीएमओज के, तो दो बीएमओज के इलेक्ट्रॉन है अपॉन टू कितना आ गया वन। या आप पूरा करना चाहे तो पूरा कर सकते हैं, सिग्मा में दो इलेक्ट्रॉन ये रहे, दो इलेक्ट्रॉन ये रहे और दो इलेक्ट्रॉन ये रहे, कितने हुए 6 इलेक्ट्रॉन बीएमओज में हो गए और दो और दो चार, चार इलेक्ट्रॉन अपने पास एबीएम, टोटल कितना हो गया 2/2 इक्वल टू 1। आराम से कोई सा भी मेथड लगा सकते हो आप, चाहे तो पी ऑर्बिटल के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन से भी बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो। तो ये था अपने पास B2 का। अगर यही एमओ डायग्राम अपने पास कार्बन का बनवा लेता तो मैं क्या करता बच्चों, यहां कार्बन लिख देता, यहां कार्बन लिख देता। अब जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है, यहां मैं क्या करता C2 लिख देता, यहां कार्बन, यहां कार्बन, और यहां क्या करता मैं दो इलेक्ट्रॉन यहां फिल कर देता, दो इलेक्ट्रॉन यहां फिल कर देता। क्लियर है? तो अब देखो यहां एक एक इलेक्ट्रॉन और फिल कर दो बच्चों, कर दिया। तो अब क्या करना है आपको, चार इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल, दो और दो चार। तो जब आप इस एमओ डायग्राम में यह इलेक्ट्रॉन फिल करोगे तो 1s 1s वाला हो गया, 2s 2s वाला हो गया। अब 2p में जब बात करेंगे तो यहां चार इलेक्ट्रॉन हो गए, तो एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन इसका रहा, एक इलेक्ट्रॉन वापस आ गया, तो यहां ये क्या हो जाएगा, पेयर्ड हो जाएगा। तो यहां मैं क्या कर सकता हूं, इस पाई टू पी एक्स में दो इलेक्ट्रॉन और पाई टू पी वाई में दो इलेक्ट्रॉन फिल कर दूंगा। तो अब अपने पास जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी, अब अपने पास जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी वो दोनों के दोनों पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या हो जाएगी बच्चों, डायमैग्नेटिक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डायमैग्नेटिक। और बॉन्ड ऑर्डर की बात करें, बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो 2+2+4 कितना हो गए टोटल इलेक्ट्रॉन, कितना हो गए 8 इलेक्ट्रॉन बीएमओ में, दो चार और चार आठ, माइनस एबीएम कितने हैं, दो हेरे दो हेरे, चार हो गए ये भी, डिवाइडेड बाय टू, फोर डिवाइडेड बाय टू, इसका मतलब दो आ गए, यानी कार्बन कार्बन के बीच में दो बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं और जो कि डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेंगे। क्लियर है? समझ में आई बात? चलिए नोट कीजिए इसको फटाफट एक बार। अगर मैं नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के एमओ डायग्राम बनाऊं तो सबसे पहले क्या करूंगा, ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल ले लूंगा और एक एक नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख लूंगा, 1s2 2s2 2p3। सिमिलरली दूसरा नाइट्रोजन ले लो बच्चों, 1s2 2s2 2p3। टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करें तो 7 और 7 कितने हो गए, 14 इलेक्ट्रॉन। ये ध्यान रखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, 14 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, कैसे होता है वो मैं डिस्कस करूंगा। अब इसके 1s में देखो, एक नाइट्रोजन मैंने इधर ले लिया और एक नाइट्रोजन इधर ले लिया, इसके 1s में दो इलेक्ट्रॉन, 2s में दो इलेक्ट्रॉन और 2p में कितने हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। सिमिलरली दूसरे नाइट्रोजन का ले लो, ये 3 इलेक्ट्रॉन यहां फिल कर दो, कर दिए, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए p में, 6। ऐसा तो मैंने फिल कर रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब 6 इलेक्ट्रॉन हो गए तो हुंड रूल के अकॉर्डिंग एक एक इलेक्ट्रॉन फिल कर दो, फिर उनकी पेयरिंग करवा दो, बचे कितने 4 बाय 6 हो गए, 6 में से 4 बार फिल कर दिए, बचे कितने 2 इलेक्ट्रॉन, ये लीजिए। तो इस तरह से यहां जो नाइट्रोजन है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है सिग्मा 2p z फिल हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अपन करें तो क्या करेगा, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2p x2 पाई 2p y2 बराबर दोनों के बीच में इक्वल आ जाएगा और सिग्मा 2p z2 कुछ इस तरह से। देखो बच्चों सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई टू पी एक्स टू इक्वल पाई टू पी वाई टू एंड सिग्मा टू पी जेड स्क्वायर। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो गया किसके लिए, N2 मॉलिक्यूल के लिए। अब देखो अगर मैं
मैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करूं तो जो इलेक्ट्रॉन है ये वाले लास्ट वाले जिस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में फिल हो रहे हैं वो सारे सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? डाया मैग्नेटिक। क्या हो जाएगी बच्चों? डाया मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इसकी हो जाएगी। क्लियर हुआ? अब अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर निकालूं तो देखिए 2+2 4+6 कितने हो गए 10, -2+2 एंटी बॉन्डिंग के हो गए टोटल 4 डिवाइडेड बाय 2, 6/2=3। यानी मैं कह सकता हूं नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है बच्चों। अब क्वेश्चन कुछ इस तरह से आ सकता है, हो सकता है कि आपको लास्ट इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछ लिया जाए, हो सकता है डायरेक्ट आपको बॉन्ड ऑर्डर पूछ लिया जाए किसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा होगा, हो सकता है कि आपको इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि N2 की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसी होगी, डायमैग्नेटिक होगी। क्यों? क्योंकि इसके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है सिग्मा 2pz में बनने वाले, एमओ ऑर्बिटल में बनने वाले, वो दोनों क्या है? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? डायमैग्नेटिक। अब सपोज करो क्वेश्चन आपके पास में N2+ का आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि एक नाइट्रोजन पे +1 चार्ज और दूसरे नाइट्रोजन पे 0। यानी ये तो कॉन्फ्यूजन हो गया 1s2, 2s2, 2p3 और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया बच्चों, तो ये कुछ इस तरह से हो गया 2p2। यानी अब मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, एक नाइट्रोजन पे +1 चार्ज लगा दूंगा तो एक इलेक्ट्रॉन कम कर दूंगा। जब एक इलेक्ट्रॉन कम कर दूंगा तो यहाँ जब इलेक्ट्रॉन फिल किया जाएंगे तो 5 इलेक्ट्रॉन फिल किया जाएंगे, तो 5 में से 2 चार ये थे भाई, 2 तो यहाँ फिल हो गए, 2 यहाँ हो गए, अब रिमेनिंग बच गया 1। अब इस एक इलेक्ट्रॉन की वजह से अगर मैं इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करूंगा और बॉन्ड ऑर्डर की बात करूंगा और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की बात करूंगा तो चेंज हो जाएगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि यहां सिग्मा 2pz में अब कितना इलेक्ट्रॉन फिल किया जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन फिल किया जाएगा। दूसरा, लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर अनपेयर्ड है तो उसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? पैरा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पैरा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो जाएगी। और अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर निकाल दूं तो देखो 2, 4 और 5 कितने हो गए? 9 हो गए BMOs में। ABMOs में देखो बच्चों 2 और 2 4 टोटल कितने हो गए? 4, तो टोटल 5/2 आ गया। तो अपने पास बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया बच्चों? 2.5। यानी अब आप एक छोटा सा कंसेप्ट लगा सकते हो बच्चों। क्या सर? तो N2 ले ले, एक अगर मैं N2+ बनाऊं तो क्या होगा और एक N2- बनाए तो क्या होगा? बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीका बता रहा हूं। यहां 14 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं तो 14 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? 3। क्या कह रहा हूं? 14 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? 3। अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करता हूं तो भी बॉन्ड ऑर्डर, सॉरी, एक इलेक्ट्रॉन कम करता हूं तो भी बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा? 0.5 कम हो जाएगा, यानी 2.5। और अगर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करता तो जैसे इसको मैं -1 कर लेता बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर लो -1, तो एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हो जाएगा। तो क्या होता कि जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इसमें चला जाता, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता। क्या कह रहा हूं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता तो पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो जाती। यानी एक बार इसको बाउंड्री को खत्म करो, ये भी पैरामैग्नेटिक होगा, ऐसे लिख लो भाई, इसको ऐसे समझ लो, ये भी पैरामैग्नेटिक होगा, N2-1 हुआ तो भी पैरामैग्नेटिक। ये लो, समझ में आई बात? अब बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? तो देखो यहाँ अपने पास क्या है, BMOs इलेक्ट्रॉन काउंट कर रहे थे, इसके लिए तो अपने को पता चल गया N2+ का था। अगर N2-1 होता तो एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हो जाता, जब एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हो जाता तो यहाँ जाता है ABMO पाई स्टार वाले। तो देखिए BMOs के कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2, 4 और 6, 10। इसके लिए बात कर रहा हूँ मैं BO ऑर्डर की, बॉन्ड ऑर्डर की, तो 10 इलेक्ट्रॉन माइनस, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2, 4 एंड 1, 5 हो गया। क्या ये लो सर, 5/2=2.5। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि एक इलेक्ट्रॉन ऐड करूँ तो भी इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 और एक इलेक्ट्रॉन कम करूंगा तो भी बॉन्ड ऑर्डर 2.5। या एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड कर रहे थे 2.5 आ रहा था, एक इलेक्ट्रॉन कम कर रहा हूँ तो भी बॉन्ड ऑर्डर 2.5 आ गया। ये ट्रिक थी बच्चों, और ये था अपने पास बोरोन, कार्बन और नाइट्रोजन का एमओ डायग्राम। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा वीडियो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को लाइक कीजिए। ठीक है बच्चों, आगे वाली वीडियो लेक्चर के अंदर मैं डिस्कस करूंगा O2 मॉलिक्यूल का, O2+1 का, O2+2 का, O2-1, O2-2 का, जहां परोक्साइड सुपर ऑक्साइड दोनों के एमओ डायग्राम देखेंगे, बॉन्ड लेंथ देखेंगे, बॉन्ड एनर्जी देखेंगे और बॉन्ड ऑर्डर पे बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। तब तक के लिए